धर्म पत्नी का फर्ज अदा करिए, धर्म पत्नी का फर्ज। और वो धर्म पत्नी का फर्ज है पति को, देखो इनके नाम के आगे कई नहीं लिखा वेद व्यास जी ने, कोई महाराज यहां पर आके बोला कभी कथा में कि धर्म पति नहीं बोला कहीं का? नहीं, क्योंकि संतों को मालूम था, वेद व्यास जी को मालूम था, घर परिवार चलाना है तो झूठ बोलना पड़ेगा, कपट करना पड़ेगा, बेईमानी करना पड़ेगा, प्रपंच करना पड़ेगा, तब जाकर ये घर चला पाएगा। इसलिए पुरुषों के नाम के आगे धर्मपति नहीं लिखा, पर तुम्हारे नाम के आगे धर्म पत्नी इसलिए लिखा कि ये कैसी भी कमाई करके लाएगा, चाहे झूठ बोल के लाए, बेईमानी करके लाए, प्रपंच कर कर लाए, पर लाकर किसको देगा? अरे बोलो तो धर्म पत्नी को। और तुम्हें ला कर देगा तो तुम धर्म के पथ पर चलना, उसकी कमाई में से थोड़ा सा निकालना तो धर्म में, सत्कर्म में, शिव महापुराण में लगाना, तो पति को भी बेकुंठ ले जाना और खुद भी चली जाना। पर माताओं ने उसकी कमाई में से निकाला तो सरी, पर शिव पुराण में लगाने की जगह डेंटिंग पेंटिंग में लगा जाई, अब पुराण में तो कम लगा, अब पुराण में लगा सकते, धर्म में लगाई, सत्कर्म में लगाइए, भजन में लगाइए। नाम तुम्हारा क्या है बोलो तो? धर्म पत्नी। एक आध बार पूछा करो अपने पति से, दिन भर कमाते रहते हो, 5 मिनट की फुर्सत नहीं भगवान का नाम लेने की। कथा हो रही है बैसाख के महीने में, ना जाने कब मिलेगी, सालासर भवन में हो रही है, चलो बैठकर मेरे साथ कथा सुनो, चलो चलिए। मेरे को वो चेन्नई के महेश्वरी धर्मशाला में, महेश्वरी भवन में कथा थी, तो ताराचंद जी मोहता और जीवन जी राठी दोनों बोले, गुरुजी इस शिव महापुराण के जो जजमान बने ना, इनकी पत्नी बड़ी विचित्र है। क्या नाम था उनका? डागा परिवार, डागा जी। सेलम में उनकी स्टील की 4 फैक्ट्रियां हैं, बर्तन की, स्टील की। तो जीवन जी मोहता जी बोले, ताराचंद जी मोहता बोले कि गुरुजी इनकी ये जजमान जो बने हैं बड़े विचित्र बने, क्या हुआ? हमने पूछा तो जीवन जी राठी बोले, कहने लगे गुरुजी जजमान पद लेने को तैयार नहीं थे, क्योंकि घर में कोई करने वाला नहीं, बैठने वाला नहीं, कथा में कौन बैठे? तो पत्नी ने पति से कहा, स्वामी समाज के लोग कथा करा रहे हैं, शिव महापुराण की कथा है, उसके यजमान पद लेना। भागवत के यजमान बनना सरल है, पर शिव महापुराण के यजमान बनना कठिन है। हम इसलिए अग्रवाल जी को बार बार धन्यवाद देते हैं। तो जीवन जी बोले, गुरुजी हमने इनसे कहा, इन्होंने अपने पति से कहा, पति ने मना कर दिया, फैक्ट्री से फुर्सत नहीं, समय नहीं। बेटे से कहा, तू बैठ जा कथा में जजमान बन के। बेटा बोला, पापा मेरे को फुर्सत नहीं, ऑफिस कौन संभालेगा, एक ही लड़का। इतने में पत्नी को गुस्सा आया और पत्नी ने कहा, स्वामी ये बताओ तुम कथा में नहीं बैठ सकते यजमान बन करके, तू बैठ जा, मैं पैसा दे देता हूँ जजमानी का, जितना भी लगे तू बैठ। पत्नी कहने लगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं बैठूंगी, पर ये बताओ स्वामी। वो डागा जी की पत्नी कहती है, मुझे ये बताओ कि मैं अगर मर जाऊंगी तो तुम ऑफिस में से कितने दिन छुट्टी रखोगे, वो बताओ। पति कहने लगा, फालतू की बात करती है तू, क्यों ऐसी बात कर रही है? नहीं, मुझे बताओ कि मैं मर जाऊंगी तो छुट्टी कितने दिन की रखोगे। कभी आप लोग चेन्नई जाएं तो जीवन जी वहां पर, जीवन जी राठी वहां के अध्यक्ष हैं, आप उनसे पूछना, चेन्नई महेश्वर जी, आप बताओ कितने दिन छुट्टी रखोगे। डागा जी ने कहा, फालतू की बात मत कर, क्या चाहती है वो बोल, कि बस मैं मरूं तब तुम ऑफिस की छुट्टी मत करना, पर 7 दिन शिव महापुराण के जजमान यही समझकर बैठ जाओ कि मैं मर गई हूं, चलो मेरे साथ बैठो, कम से कम धर्म में तो मैं तुमको। और वो डागा जी ने एक बार शिव महापुराण के यजमान बने और महेश्वरी भवन में 5 साल लगातार शिव महापुराण की कथा करवाई, वही डागा जी ने जो एक बार यजमान। भैया शिव महापुराण के यजमान बनना बहुत कठिन, बहुत कठिन। ना जाने कौन सा पुण्य हमारा इकट्ठा होता है, ना जाने कौन कौन सा दान पुण्य सत्कर्म हमारा इकट्ठा होता है,
तब जाकर अपने परिवार द्वारा शिव महापुराण की कथा हो पाती है। ये करुणा, हम तो कहते हैं कंसल जी आपके परिवार में कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों को बहुत आशीर्वाद है, पितरों का बहुत करुणा है आपके पूर्वजों के पितरों। और कथा भी लेने आए तो हमारे वो नीरज भैया सीधे उज्जैन पहुंच गए महाकाल की नगरी में, हमारी शिवपुराण चल रही थी महेश्वरी महिला मंडल की, सीधे वहां भाभी जी और दोनों नीरज भैया दोनों आ गए, उनके साथ में उनकी एक बुआ जी भी थी वो भी साथ में। कहे गुरु जी कथा लेना है, हमने कहा कहाँ लेना है, कहे गुलबर्गा। कौन सी कथा लेना है, कहे शिव महापुराण। हमने पूछा कि बताओ शिव पुराण का मन में किसकी आया पहले ये बताओ, तो कि हमारे पापा के मन में बहुत है शिव महापुराण। हमने कहा समझ गए, हमने कहा ये शंकर के शिवलिंग से चिपक गया है और ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, एक बार जो लग गया शिव से फिर वो छूटता नहीं, जो लग गया शंकर छोड़ता नहीं। और हम तो आपसे भी कह रहे हैं मौका मिले शंकर की कथा को श्रवण करने का, बाबा महेश की कथा को श्रवण करने का, भगवान शिव की शिव महापुराण श्रवण करने का, एक क्षण की देरी ना करें, सुनो क्षण भर सुनो, आधी में पुनी भले थोड़ा सा। बिंदु की धर्मपत्नी चंचुला देवी धर्म से दूर थी, सत्कर्म से दूर थी, भगवान की कथा से दूर थी। बिंदु जो कमा कर लाता वो चंचुला देवी को देता, पर चंचुला का चित्त नहीं लगता। एक दिन बिंदु धन तो लाया, प्राण छूट गए, पर चोरी का धन लाया था इसलिए प्रेत योनि में चले गया, प्रेत योनि में चले गया, भटकता रहा। चंचुला देवी को लगा क्या करूं, अब चंचुला देवी बेधव्य हो गई, विधवा हो गई, क्या करा जाए। पूरे नगर के लोग मिलकर आनंद से काशी विश्वनाथ की नगरी में दर्शन करने जा रहे हैं। कहां जा रहा है जम के बोलो, काशी। काशी जानते हो, सब जानते हो, ठीक। किसने करी थी काशी विश्वनाथ की स्थापना, शिव महापुराण कहती है दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर लग गया था। शनि को कौन लगा था, शंकर। जब शनि महाराज के, शनि महाराज ने अपनी माता को चरण का प्रहार करा और माता ने श्राप दे दिया शनि जा तो तेरे पांव से अपंग होगा, शनि की आंख में आंसू भर गए। देवऋषि नारद से पूछा मैं कहां जाऊं, देवऋषि नारद ने कहा अगर तुम अपने अपंग पांव को भी ठीक करना चाहते हो तो एक है जो तुमको अपंग पांव से भी ठीक कर सकता है, कौन, तो केवो शंकर। जाओ गंगा के तट पर जाकर शंकर के शिवलिंग की स्थापना कर उसकी आराधना करो। और शनि महाराज ने जाकर गंगा के तट पर काशी में भगवान शंकर का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करी, और जब आराधना करी तो शिव जी ने प्रकट होकर शनि महाराज के चरण को ठीक करा, तो चरण से शनि ने चलना प्रारंभ करा। आज भी नियम है जिसको ढैया लगा हो साढ़े साती लगा हो, जिसको ढैया साढ़े साती आधिक आधिक शनि परेशान कर रहा हो, एक काजल की डिब्बी ले लो 21 बार उतारो, जहां जंगल में वन में किसी बगीचे में कोई नहीं हो, किसी भी पेड़ के नीचे इतना खड्डा करके काजल की डिब्बी को काशी विश्वनाथ का नाम लेकर दबा दो और मिट्टी डाल दो, जिंदगी में कभी शनि परेशान नहीं कर सकता, कभी भी पूरे जीवन में कभी शनि परेशान नहीं किया। इसलिए कहते हैं दुनिया को शनि लगे और शनि को शंकर लगे, शनि को। सारे नगर के लोग काशी चले, काशी जानते हो ना, अभिमुक्त नगरी काशी, मोक्ष नगरी काशी।
माता पार्वती जी ने शिव जी से केवल दो वर मांगे थे, केवल दो वर माता पार्वती ने मांगे शंकर भगवान से। पहला वर माता पार्वती ने शिव जी से मांगा था, भोलेनाथ वर दीजिए कि जिस पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो उसमें प्रेम बढ़े। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। आज भी नियम है, पति और पत्नी अगर आपस में झगड़ा करते हैं तो उनमें प्रेम बढ़ता है। तुम देखना, अच्छा प्रैक्टिकल करके देखना, पति झगड़ा करके चले जाए ऑफिस दुकान तो वहां से आते से ही पूछेगा, क्यों रे तेरी मम्मी कहाँ है? तुरंत पूछे, इतना झगड़ा करके गया है तो पूछे ही मत ही तो कि पत्नी कहाँ है, पर आते से ही पूछेगा कहाँ है। और माता पार्वती ने दूसरा वर मांगा, भोलेनाथ जी वर दीजिए कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा पार्वती कैसी मूर्खों की तरह बात करती है, काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र मैं दूं, ये कैसे हो सकता, कैसे होगा, ये हो नहीं सकता, ये कभी नहीं होगा। पार्वती जी बोली, जिद पे अड़ गई माता पार्वती ने, भोजन करना बंद कर दिया, पानी पीना बंद कर दिया, कुछ ग्रहण ही नहीं करती माता पार्वती। शिव जी को लगा कि ये प्राणों को त्याग देगी। शंकर भगवान ने कहा पार्वती मैं तुझे वर देता हूं कि काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र मैं दूंगा। पार्वती ने कहा मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया, तो तू बता क्या करना है। पार्वती जी ने कहा प्रभु आपसे वर मांगती हूं कि काशी में मरने वाले के सीधे कान में आप गुरु मंत्र देना और कान को मोड़ देना, तो मैं समझ जाऊंगी कि काशी में मरने वाले को आपने गुरु मंत्र दे दिया। शंकर जी ने कहा तथास्तु। तो आज भी प्रमाण है, काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है, आज भी प्रमाण। जिसके काशी में प्राण छूटते हैं उसका सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है, अपने आप। पहले हमको भी विश्वास नहीं हुआ था कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, ऐसा होता है क्या। जब हम काशी में महेश्वरी भवन में कथा करने के लिए गए तो सब पूरी मंडली को लेकर हमने कहा चलो आज शिव महापुराण में लिखा है कि काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाता है, चल कर देखें। पहुँचे मणिकर्णिका के घाट पर, भारत की भूमि के सबसे ज़्यादा मुर्दे वहीं जलते हैं। अपने यहाँ गाड़ी ओवरटेक करती है, वहाँ मुर्दे ओवरटेक करते हैं, लोग मुर्दा लेके भागते हैं। मणिकर्णिका का घाट, लाइन लगी मुर्दों की, परिवार के लोग बैठे। हमने एक मुर्दे वाले से पूछा भैया हमको इनका मुंह देखना है, कि देख लो। हमने कपड़ा हटा के देखा मुंह, तो उसका तो कान सीधा था। हमने कहा बताओ पोथी में तो लिखा है कि काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाए, यहाँ तो सीधा है। और आगे गए, हमने कहा हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। आगे गए तो उसका भी कान सीधा, और आगे गए उसका कान टेढ़ा, फिर आगे गए तो उसका सीधा, फिर आगे वाले का फिर कान टेढ़ा। हम तो चक्कर में पड़ गए, किसी का सीधा किसी का टेढ़ा। हमने पूछा भैया ये मुर्दा कहाँ का है, तो क्या यहाँ से 40 किलोमीटर दूर का। और जिसका कान टेढ़ा था उसका पूछा ये मुर्दा कहाँ का है, तो के काशी की वो कॉलोनी का। समझ में आ गया कि काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाता है, दूर मरने वाले का। ऐसा कोई है? 33 करोड़ देवी देवता में कोई देवता ऐसा नहीं कि मनुष्य के कान में आकर गुरु मंत्र दे दे, पर एक है मेरा काशी विश्वनाथ जो कि गुरु मंत्र भी प्रदान कर देता है। गुरु मंत्र इसलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। जपो, जपते रहो, भजन निरंतर करते शिव का, शिव का। भगवान की भक्ति को धारण कर। आज भी शास्त्र कहता है अगर हम काशी नहीं जाते तो 5 बार मुख से काशी काशी जप लो। क्या नाम जपना? काशी काशी। हम तो कहते हैं अपनी छोरी का नाम रख दो काशी भाई। कहे तो गलत, कहे नाम दे दो काशी।
काशी काशी 5 बार बोल ले जीव, उसको यम के दूत पकड़ ही नहीं सकते। काशी काशी बोल लेने पर यमराज बंदी बनाने नहीं आता, फिर आता है तो मेरा महाकाल, मेरा ठाकुर, मेरा, क्योंकि शिवजी जिसको भेजेंगे, नारायण को भेज जाता नारायण आ जाएंगे, ब्रह्मा को भेजा तो ब्रह्मदेव आ जाएंगे। ये तो अपनी मर्जी है, अपन को 4 व्हीलर में जाना है कि 2 व्हीलर में जाना है। ऐसे तो यमराज भी आता ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो पे। और ऐसे तो भगवान भी आते हैं 2 व्हीलर पर, गरुण पर, आते कि नहीं आते? अब मन अपना, अच्छा ईमानदारी से बोलो तो 4 व्हीलर में बैठने में मजा आता है कि 2 व्हीलर पे? सत्य बोलना है, 2 व्हीलर पे। क्यों? 4 व्हीलर में पति इधर पत्नी इधर, 2 व्हीलर पे, 2 व्हीलर। इसलिए भगवान से कहते रहा करो, भगवान कृपा करना हमारे लिए 4 व्हीलर मत भेजना, हमारे लिए तो हमारा ठाकुर, हमारा काशी विश्वनाथ नारायण को भेजे। जब वो गरुण पर चढ़कर आए, जैसे लक्ष्मी पीछे से बैया डालकर बैठे, ऐसे मैं नारायण के बैया डालूं और उड़कर सीधे चले जाऊं, ऐसी करुणा। नहीं, अगर 4 व्हीलर पे जाना हो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो पे तो मर्जी तुम्हारी। इसीलिए हमारे भगत कहते हैं कि तू ही आना रे गोपाल, मन्ने लेने तू ही आना, अरे तू ही आना रे गोपाल, मन्ने लेने तू ही आना, काशी विश्वनाथ शिव शंकर ओ घड़ी दानी दयालु दाता। करुणा सागर ने करुणा करी, चंचुला देवी आज काशी जा रही है पूरे नगर के साथ। और माता चंचुला देवी ने आज काशी में पहुंचकर किसी ब्राह्मण के मुख से गंगा जी के तट पर शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया। और शिव कथा ऐसी सुनी माता चंचुला देवी ने कि शिव के धाम में माता पार्वती जी की सखी बन गई, रिटर्न वर्क पार्वती की सखी। और माता पार्वती जी की जब सखी बन गई चंचुला देवी की आंख में आज आंसू है। पार्वती जी ने पूछा चंचुला क्या बात है? चंचुला जो तुम, चंचुला देवी आखिर बात क्या है जो तुम्हारी आंखों में आंसू है? पार्वती जी ने जैसे ही पूछा तो माता पार्वती उसी समय पर चंचुला देवी के शब्दों को सुना। चंचुला ने कहा मेरा पति प्रेत योनि में भटक रहा है, उसको मुक्ति नहीं मिल रही, मैं क्या करूं कि मोक्ष मिले? पार्वती जी ने कहा एक काम करो चंचुला देवी, तुम एक बार शिव महापुराण की कथा करवाओ, उससे जीव किसी भी योनि में हो वो मोक्ष पा जाता। चंचुला देवी ने कहा कथा किससे करवाऊं? भागवत हो तो ब्राह्मण कर देवे, रामायण हो तो ब्राह्मण कर देवे, क्योंकि भागवत रामायण गीता आदि कादिक में जो भेंट चढ़ती है वो तो काम में आ भी जाए, पर शिव महापुराण में तो भेंट का भी महत्वता। किससे करवाया? पार्वती जी ने कहा एक काम करो नारद जी के पास जाओ। नारद जी, तो नारद जी के पास चंचुला देवी ने जाकर कहा नारद जी आप हमारे पति के मोक्षार्थ शिव महापुराण की कथा कर दी। शिव पुराण, नारद जी ने कहा भैया कथा तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि मुझे तो श्राप लगा है कि मैं एक जगह पे बैठ नहीं सकता। अच्छा, नारद जी को जो श्राप लगा ऐसा श्राप किसी किसी को लगा रहता ऐसा नहीं है,
कथा सुनने सब आते हैं, नारद भी आता, निंद्रा देवी भी आती, कोई कथा में सो रहा हो नींद आ जाए तो समझ लो कुंभकर्ण की पत्नी आज कथा में आ गए, ठीक है। और कोई कोई व्यक्ति फिर आए फिर जाए फिर आए फिर जाए फिर आए फिर जाए, समझ लो उसमें नारद भरा गया है, क्योंकि नारद को श्राप लगा एक जगह नहीं बैठ सकते। अब नारद जी बोले कथा में नहीं कह सकता, मेरे को श्राप है मैं एक जगह पर नहीं बैठ सकता, तो फिर कथा कौन कहेगा। नारद जी ने बोला मेरा जो मित्र है तुमरू का, क्या नाम है, तुमरू का, वो कहेगा। तुमरू का जी को देखा है? आपके क्षेत्र में शंकर जी के मंदिर जो होते हैं बड़े बड़े साउथ के, उसमें भगवान के मंदिर में दो मूर्तियां दरवाजे पे मिलती, एक नारद जी वीणा लेकर खड़े हैं और एक घोड़े का मुंह लगा है और गले में वीणा पड़ी हुई है, करताल रखा है, देखा है ऐसी मूर्ति का दर्शन करा। तो जो इधर खड़े हैं वो नारद जी हैं, जो घोड़े का मुख लगा है वीणा हाथ में है वो तुमरुका जी, वो नारद जी के मित्र तुमरुका। शास्त्र कहता है जिस नारी का गर्भ ठहरने के बाद दो तीन महीने में वापिस अबर्षण हो जाता हो, वापिस बार बार बच्चे गिर जाते हैं और बच्चा पूरा नहीं होता हो, उस नारी को उसकी आकृति के बराबर का जो लच्छा होता है हाथ में बांधते हो नाड़ा, वो लच्छा नाप लेना चाहिए और नारियल के ऊपर श्रीफल के ऊपर उसको लपेटना चाहिए। जो नारी का गर्भ ठहर रहा है, गर्भ गिर रहा है, उस नारी का नाम और गोत्र बोलकर लच्छे को लपेट लो, शंकर जी के मंदिर में तुमरुका जी का नाम लेकर वो श्रीफल रख कर आ जाइए, फिर नारी का गर्भ कभी नहीं गिरता, बच्चा स्वस्थ पैदा होता है, स्वस्थ जन्म लो। तुमरुका जी के नाम का इतना प्रमाण होता, जो बच्चा रात में गंदगी करता हो, सूसू कर देता हो, बच्चे को शुद्ध नहीं रहती हो, माइंड से बच्चा विकलांग हो, पढ़ने में चित्त नहीं लगता हो, विद्या में कमजोर हो, तो शंकर जी के शिवलिंग के पास में जाकर उस बच्चे का नाम लेकर शिव जी के शिवलिंग पर चंदन से ओम बना दो उस बच्चे का नाम लेकर, और तुमरुका जी का नाम लेकर ओम बनाने के तुरंत बाद जल चढ़ा दीजिए, वो बच्चा रात में गंदगी करना सुसु करना बंद कर देता है। तुमरुका जी का, तुमरुका जी के नाम का इतना प्रमाण है। तुमरुका, क्या नाम है, चम के बोलो, तुमरुका, तुमरुका। तुमरुका जी ने कहा चंचुला देवी कथा तो कह दूं मैं, मना नहीं है, पर एक बात बताओ कथा का यजमान कौन बनेगा। चंचुला देवी ने कहा मैं बनूंगी, नहीं नहीं, अगर शिव महापुराण का यजमान कोई बने तो पति और पत्नी बैठकर अगर कथा का रसपान करें तो मैं कथा कहूं। इतने में चंचुला देवी तो आंख में आंसू भर दी, मैं वेधव्य में कैसे जजमान बनूं। अब जजमान कौन बनेगा, जजमान किसको बनाया जाए। बड़ी आंख में रोती हुई आई पार्वती ने कहा चिंता क्यों करती है, शिव की कथा है, शंकर जी से विनती कर। शंकर जी से विनती करी, अब देखो शंकर जी से जब विनती करी तो भोलेनाथ ने पूछा बोल चंचुला क्या चाहती है। चंचुला देवी बोली भोलेनाथ हे विश्वनाथ हे ठाकुर हे मेरे शंकर करुणा करिए, मेरे शिव महापुराण का कोई यजमान नहीं मिल रहा। शिव जी ने कहा क्यों चिंता करती है, सारी पुराणों का एक ही तो यजमान है, वो मैं स्वयं। ईश्वर जी और गोरा जी यहां पूछते हैं गणगौर करते हैं कि नहीं करते, करते हैं? तो बच्चे पूछते हैं मम्मी ये कौन है, तो कहो उनको ये शंकर पार्वती। शंकर पार्वती कब बने, तो ये ईश्वर जी ये गोरा जी शिव महापुराण की कथा सुनने जब तुमरुका जी के दरवाजे पर गए थे, दोनों 16 दिन तक तैयार होकर गए थे। हमारा तो यजमान से निवेदन है 7 दिन की कथा सुनने बैठो तो शंकर पार्वती की गादी पर बैठकर सुन रहे हो, ईश्वर जी गोरा जी बनकर सुन रहे हो, अच्छे जोरदार खूब झामर झुमके की साड़ी माड़ी ऐसा जोरदार बोर नथनी झुमका कर दो ना ऐसा सब पेन के, और जजमान से भी निवेदन है बढ़िया जरा माले में कंठी मंठी जोरदार तुर्रा तुर्री लगा के कथा सुनना चाहिए। है ये कोई भागवत थोड़ी ना है कि सुखदेव जी सुना रहे हैं और परीक्षित जी एकांत में बैठ के गंगा के तट पर
पाने के लिए मोक्ष सुन रहे हैं, यहाँ तो ईश्वर जी और गौरा जी बनकर श्रवण करो और जीवन को सार्थक करो। और आपसे भी निवेदन है, एक से बढ़कर एक साड़ियां धरी अलमारी में, सब धरी की धरी रह जाएगी। कब पहनोगे? कोई कोई साड़ी तो अभी तक नहीं निकली, निकालो और 7 दिन शिव महापुराण में पहन के आ, जोरदार श्रृंगार कर जोरदार। अभी ईश्वर जी और गौरा जी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं ईश्वर जी गौरा जी के लिए। ईश्वर जी और गौरा जी गणगौर पधार रही है। शिव शंकर चले के लाश बुंदिया पड़ते, शिव शंकर पढ़ने लगी है।